नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश में आंदोलन की आग को शांत करने के लिए उपवास पर बैठे सीएम शिवराज, कांग्रेस ने बताया नौटंकी। कृषि मंत्री बोले, कितना भी तेज हो प्रदर्शन, किसानों का कर्ज नहीं होगा माफ। भारतीय जवानों के बुलंद हौसलों से पाकिस्तान हुआ बेचैन, पाक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने नियंत्रण रेखा का किया दौरा, बाजवा ने कश्मीर में पत्थरबाजों का किया समर्थन। बापू को चतुर बनिया कहने पर कांग्रेस के निशाने पर अमित शाह, कहा अमित शाह को मांगनी चाहिए माफी, शाह बोले मेरे बयान को गलत तरीके से किया गया पेश। सहारनपुर हिंसा पर योगी सरकार ने पेश की रिपोर्ट, भीम आर्मी और बीजेपी सांसद राघव लखनपाल को ठहराया जिम्मेदार, रिपोर्ट में मायावती की रैली का भी जिक्र। सेना प्रमुख बिपिन रावत का कश्मीर के लिए नया प्लान, जवानों की रैंक में शामिल होंगी महिलाएं, महिला प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए होगी भर्ती। आरजेडी प्रमुख लालू के परिवार पर सुशील मोदी ने फिर बोला हमला, लालू और राबड़ी पर लगाया जमीन घोटाले का आरोप, कहा नौकर ने लालू के परिवार को गिफ्ट की 1 करोड़ की प्रॉपर्टी। आईटी रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड होगा जरूरी, सीबीडीटी ने जारी किया बयान, जुलाई से आईटी रिटर्न के लिए आधार कार्ड होगा अनिवार्य। रामचंद्र गुहा के बाद सीओए से एक और इस्तीफा तय, विक्रम लिमय ने की बीसीसीआई के पैनल को छोड़ने की घोषणा, लिमय संभालेंगे एनएसई के सीओ का पद। आतंक के आका आईसिस ने सऊदी अरब को दी धमकी, कहा ईरान के बाद अगला नंबर तुम्हारा, आईसिस से जुड़े इंटेलिजेंस ग्रुप साइट की ओर से मिली जानकारी। और हादसे में बाल बाल बची दंगल गर्ल जायरा वसीम, श्रीनगर में अनियंत्रित होकर डल झील में गिरी कार, स्थानीय लोगों ने बचाई ड्राइवर और जायरा की जान। ये तो हुई अब तक की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।